बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में प्रोपकार का लेसन पढ़ चुके हैं और इसके कठिन शब्द भी लिख चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण में क्या है? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में बेटा देखो आप क्या क्या आता, शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमको ये वर्ड के हम जो मीनिंग देखना है, ठीक है। कुत्ते का पिल्ला तो हम उसको क्या बोलेंगे? पप्पी। छाँव वन, पट्टी बांधना बैंडेज। हिल मिल गया, बिकेम फ्रेंडली। केला बनाना, नारियल कोकोनट। सुस्ताने रेस्टिंग। छाँव शेड। बिल होल। जकड़ लेना रैप अराउंड। दम लेना टेक रेस्ट। जान पर खेलना टेक रिस्क। जान बचाना सेफ लाइफ। प्रोपकार हेल्पिंग अदर्स। वेथ वेस्ट यानी यूजलेस। ठीक, आप पढ़ेंगे परिवाची शब्द। परिवाची शब्द में मैंने एक शब्द के अनेक नाम आते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। दिन दिवस वार। वर्षा बारिश बरसात। प्यार प्रेम स्नेह। शरीर तन काया। घर गृह आलिया मकान। साफ स्वच्छ शुद्ध। छाँव छाया। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द में है देखिए आना जाना, दिन रात, साफ गंदा, प्यार नफरत, छाँव धूप, जकड़ना ढीला छोड़ना, चलना रुकना, बचाना यानी मरना। ठीक है, अब हम लिखेंगे महावीरों का अर्थ। महावीरों का अर्थ में क्या है? दम लेना यानी आराम करना। जान पर खेलना मुसीबत मोल लेना। अब इसके हमको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हम देखिए इस तरह से बनाएंगे। दम लेना यानी आराम करना। मैं बाजार से थक कर आई, थोड़ा दम ले लूं। सेकंड है जान पर खेलना यानी मुसीबत मोल लेना। कुत्ते ने जान पर खेल कर अपने मालिक की जान बचाई। कुत्ते ने जान पर खेल कर अपने मालिक की जान बचाई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अब आप इसको मेरे साथ पढ़े होंगे और उसको अपनी क्लास वर्क में वन टाइम लिखिए। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।